पराठों का टेस्ट सच में बहुत ही लाजवाब है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ सेंटर की मार्केट में, जहाँ मैं आपको खिलाने वाली हूँ पराठे। किसी शॉप में नहीं, पर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अंकल अपने हाथों से खुद पराठे बनाते हैं, देसी घी पराठा विद एक्स्ट्रा बटर, जहाँ पे आपकी कैलोरीज बढ़ने वाली हैं लेकिन आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि आज मैं आपको खिलाने वाली हूँ अंकल जी के पराठे, क्योंकि पराठे इतने अल्टीमेट है, आप जब खाएंगे तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग है। लेकिन पराठे खाने से पहले मैं आपको सबको मिलवाना चाहती हूँ अंकल से, जो ये इतने डिलीशियस पराठे बनाते हैं। तो अंकल कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर के आगे जो कि सिरसों में जाते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ से कब आए यहाँ पे? आप हम सन 95 में आए। सन 95 से तब से आप यहीं पे हैं? हाँ, तब से हम यहीं पर पराठा बनाए। तो आपने आते ही पराठा बनाए, पहले कुछ और किया? नहीं नहीं, पराठा ही हम लोग बनाए। अच्छा, सबसे पहले आपने पराठे ही बनाए, तो आपने वहाँ से सोचा कि पराठे बनाएंगे, कुछ और करने का सोचा था लेकिन पराठे बनाने पड़े? हाँ, पराठा ही बनाना पड़ा। पराठा बनाने से हमको बहुत फायदा भी हुआ। अच्छा, ये बात नहीं है। पराठा बनाने से हम लोग को बढ़िया इनकम हुआ, हम लोग जो है कि अपना जो है कि घर परिवार बढ़िया से चलाए, और परिवार बच्चे सब आनंद से हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बच्चे भी आपके पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बच्चे हमारे जो कि दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों को शादी उदी कर दिए हैं। अच्छा, शादी कर दिया? हाँ, शादी कर दिए हैं। दो बेटे हैं जी। तो उन दोनों बेटों में एक बेटा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करता है रेलवे में। अच्छा, वो रेलवे गवर्नमेंट जॉब में? हाँ, रेलवे में जो कि गवर्नमेंट जॉब में है। और छोटा वाला बेटा जो है कि BSc फाइनल करके लखनऊ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से BSc फाइनल करके इस समय जो है कि ये जो है कि क्या नाम होता है उसका तैयारी वो भी कर रहा है। अब उसका नाम कौन सा तैयारी करता है जो कि थोड़ा सा दिमाग से डिस्टर्ब हो गया है। अब देखिए, नाम आपके चार बच्चे हैं? अच्छा, दो बेटी है, दो बेटी। अच्छा, दो बेटों की शादी हो गई है। हाँ, तो आपने ये सब अपने बेटियों का शादी हो गया है। हाँ, बच्चों का नहीं। तो आपने ये सब पराठों की कमाई से उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी कराया, शादी की, इतना सिर्फ पराठों से की? हाँ, सब पराठे से। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे क्या स्पेशलिटी, कौन कौन से पराठे बनाते हैं? हम पराठा बनाते हैं, आलू प्याज का मिक्स बनाते हैं जी, गोभी का बनाते हैं, पनीर का बनाते हैं, देसी घी लगा करके वो उसका जो है कि प्राइस अलग होता है। देसी घी के पराठे यहाँ पे बनते हैं? हाँ हाँ, देसी। अच्छा? देसी घी का पराठा बनाते हैं हम। अच्छा, तो कहने का मतलब पराठा तो बहुत लोग बनाते हैं। हाँ, लेकिन तो पराठा बनाने से कब उसमें किस तरह से उसमें घी उसका तेल जो लगाया जाएगा अभी ये सबको पता नहीं होता है। वो उसका टेस्ट किस तरह से कब आएगा जी? अभी बनाने के लिए तो बहुत लोग बनाते हैं जी, लेकिन तो यही जो कि सामने रेडी मार्केट है। हाँ, लेकिन तो लोग हमारे सामने सब लोग तेल। ओहो, तो अंकल जी कह रहे हैं वो पराठे ऐसे बनाते हैं, उनको पता है तेल कब लगाना है कब नहीं लगाना, सबको हाँ, नहीं पता होता। और उनके पराठों के सामने सब पराठे फेल है यहाँ के। तो पराठे में आप मुझे क्या खिलाने वाले हैं अभी? जो कहिए। तो आपका सबसे अच्छा जो पराठा है वो मुझे खिलाइए, तो मैं भी खा के देख रही हूँ क्यों सब लोग फेल है यहाँ पे। कोई बात नहीं, बना के खिला देते हैं। तो ठीक है, बनाइए आप हमारे लिए पराठा।
खिला रहे हैं आलू प्याज भी देसी घी का पराठा बना। ओह माय गॉड, ये देसी घी पराठा, इतना बड़ा पराठा है, मैं बहुत मोटी होने वाली हूँ। लोग आते हैं, अच्छा, पीजी के लड़के आते हैं लोग, और लोग यहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, नहीं बैठना है तो अपने गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनको बना करके हम लोग गाड़ी में देते हैं, वहाँ बैठ करके आराम से वो खाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, कब? हाँ, जब बोलते हैं कि आपका पराठा बड़ा अच्छा है। हाँ, पराठा जब खाते हैं, खाते में गिरे हैं, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो अंकल के चेहरे पे ऐसी खुशी आ जाती है जो वो इतना अच्छा पराठा खाते हैं। पर यहाँ से हम लोग के पास पराठा चाय खा करके विदेश चल गए हैं लोग, विदेश से भी यहाँ कभी आते हैं लोग, तो चंडीगढ़ में आते हैं लोग, तो यहाँ जो है चाय परोठा खाने के लिए बन गया है, वो मेरे प्लेट में आने के लिए रेडी है। बहुत ही करारा लग रहा है यहाँ से तो। प्लेट इतनी है लेकिन पराठा इतना बड़ा है। स्पेशल देसी घी का पराठा है विद एक्स्ट्रा बटर। अब देसी घी। और ये चटनी किस चीज की अंकल? ये चटनी हरी चटनी है, इसमें हरे धनिया, पुदीना, ये शिमला मिर्च, ये सारे मिर्ची सब कुछ मिक्स होता है, टमाटर वगैरह सब कुछ मिक्स होता है। ठीक है, तो अभी चलो हम इसको खाते हैं। सीज इज द पराठा, द साइड ऑफ पराठा, कितना बहुत बड़ा पराठा है। गर्म हो गया, बहुत गर्म। तो लेट्स स्टार्ट। पहले बटर खोल लिया जाए। टेस्ट बहुत अच्छा है, यू नो आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं, इसका टेस्ट सीरियसली बहुत यम्मी है। मैं एक बाइट और लेने वाली हूँ विद चटनी, जो अंकल ने बताया इसमें शिमला मिर्च, मिर्च पता नहीं क्या क्या है। बटर देसी घी, इसका कॉम्बिनेशन जो है, इट्स लाइक मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। तो अभी मैं पराठा खाती हूँ, देन आपको बाद में आके मिलती हूँ मैं। तो पहले जो आए थे वो बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे, तो उनको दिक्कतें भी हुई, परेशानी भी परेशानी हुई। जैसे कि यहाँ पे जब बारिश होती होगी तब भी आपको बहुत दिक्कतें होती होंगी, है ना? तब आप क्या करते हैं? यही पल्ली जो कि लगाए हुए हैं तो यहीं पे बैठ के बनाते हैं। यहीं पे बैठ के बनाते हैं, अब इससे बढ़कर हवेली क्या होगा। अरे वाह, तो आप इनके लिए जिंदा दिल ही देखिए, इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी कह रहे हैं ये तो मेरी हवेली है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो जो भी काम ये करते हैं जिंदा दिल के साथ करते हैं, और ये बात इनके पराठों में भी आती है जिनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम यहाँ से। पर जाते जाते अंकल मैं पूछना चाहूँ कि लोग आपको यह किस नाम से जानते हैं? हमारे को मदन नाम से जानते हैं। तो अंकल जी के पास आना हो तो मदन नाम से आ जाइए। और ये जगह कौन सी है? ये 37 डी है। तो 37 डी में जब भी आप आए तो मदन जी के पास पराठे खाना मत भूलिएगा। जो पराठों का टेस्ट है सच में बहुत ही लाजवाब है।